प्रूफ करना क्या था, तो प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड. तो हम लोगों ने यहाँ पे दो ट्राइंगल एज्यूम किया, एबीसी और डीईएफ, जिसमें देखो ऑलरेडी बोला है इक्वेंगुलर है, तो हम लोग क्या लेंगे, एंगल ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू ई और एंगल सी इक्वल टू एफ. इसके बाद जब सारा साइड्स आपस में, सारा एंगल्स अगर आपस में इक्वल है, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो तो एबी बाई डी इक्वल टू बीसी बाई ईएफ इज इक्वल टू एसी बाई डीएफ. ये लिख सकते हैं क्या, समझ में आ रहा सबको? ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे देखो प्रूफ करने क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो साइड्स है ए बी और डी, इसका जो रेशियो आएगा वो क्या एल्टीट्यूड्स के रेशियो के सेम आएगा. तो हम लोग को यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन सा लेना होगा, बोलो, ट्राइंगल ए एल एम. सर बोलिए सर, डायरेक्टली हम लोग ट्राइंगल ए बी एल और डी ई एम नहीं ले सकते हैं. हम क्या बोल रहे, देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन जब आएगा ना, ये 3-4 मार्क्स का आएगा, लगभग थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना. आप डायरेक्ट वो पॉइंट पे आ जाएंगे तो हो सकता है वो पास कट जाए, ठीक है? आपको तो ये मेंशन नहीं करेंगे, आप ये बताओ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डाटा को आप मेंशन नहीं करेंगे. अच्छा ठीक है सर, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे लिखने में दिक्कत नहीं हो रहा, बताओ. मैं डायरेक्ट पॉइंट यहाँ नहीं लिख सकता था, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना कि आपका मार्क्स नहीं कटेगा, तो ये सब सारा पॉइंट्स को ध्यान रखिए सब, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, दो ट्रायंगल एल बी और ट्रायंगल क्या लेंगे बोलो, डीएम, है ना? DM. अब देखो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, बोलो तो इसमें गिवन है हमारा एंगल ए एल डीएमई. हेलो, हाँ सर. हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा कि वो बोलो. ये देखो ये एंगल बी एंगल इक्वल था और एल्टीट्यूड से, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, एंगल एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल DME, DM, E is equal to 90 degree. लिख सकते हैं ऐसा, ये भी given है. So, यहाँ पे होगा क्या? बोलो, ये दोनों ही triangles आपस में similar हो गए. So, therefore, triangle ALB is similar to triangles DEM. हो गया ऐसा? अब जैसे ये similar हो गए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB by D is equal to AL by DM. बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes sir. जो प्रूफ करने दिया था देखो आ गया क्या? चलो अब ये सेम क्वेश्चन. सर आप वहाँ ALM लिख. क्या बाबू? सर 90 डिग्री जहाँ पर है वहाँ एंगल ALM होगा कि कुछ? ALB. सर सर सर. ALB. ठीक है, ये मार्कर खराब है, चुकी काम नहीं कर रहा सही से. कुछ भी लिखा जाता है इसे. ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो गया. तो इस क्वेश्चन में देखो बोला गया था एल्टीट्यूड का पॉइंट. अब इस एल्टीट्यूड वाला पॉइंट को हटाते हैं हम, ठीक है? अब यहाँ पे बोला गया है एंगल बाय मीडियन लेते हैं पहले. यहाँ पे बोला गया है मीडियन के बारे में. अब मीडियन का अगर पॉइंट बोला गया है तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? सेम क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन है, बस कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेस्पेक्ट में निकालना है रेशियो. कैसे बनाओगे सर? वो एंगल हाफ हो जा रहा है, साइड हाफ हाफ हो जा रहा है, तो इक्वल हो जाएगा, BL इक्वल टू LC हो जाएगा, यहाँ पे EM इक्वल टू MF हो जाएगा. इसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद BL का रेशियो EM के इक्वल हो जाएगा और BA का रेशियो ED के इक्वल, और एंगल B और एंगल E तो सेम है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा. ओके ओके, ट्राई करो तो फिर बना के दिखाओ. ठीक है, आप लोग सब बनाइए. अगर सबको समझ में आ गया आप लोग सब बनाइए. एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया, अब इसके बाद दो क्वेश्चन था आपको बनाना है. ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मीडियन के बारे में आपको दिया गया है. सारे पहले क्वेश्चन को लिखिए, ये नहीं कि आप भी वहां पे कॉपी में एल्टीट्यूड को काट कर मीडियन लिख दीजिएगा. इस क्वेश्चन को फिर से लिखिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को एटलीस्ट कम से कम पूरा लिख लो, इसके बाद बनाना, ठीक है?
समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस सर। ओके, सो पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ही स्किप कर दीजिएगा, और उसी क्वेश्चन में एल्टीट्यूड को काट कर मीडियम मत लिख लेना, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, कर पाएंगे ना सब, सारे बच्चे कर पाएंगे ना? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो बना के दिखाओ। सर हो गया। हो गया ना? ओके ठीक है, सबको बनाने दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। सर हो गया। सर हो गया। सबका हो गया? ओके अच्छा, यहाँ पे देखो, ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था ए बी बाई डी, इसके जगह पे हम लोग अगर, ठीक है, अगर हम लोग ए बी बाई डी के जगह पे अगर हम लोग बी सी बाई ये लिखे, कोई दिक्कत है क्या? BC by EF equal to AL by DM भी प्रूफ कर सकते हैं क्या? Yes sir। यहाँ पे देखो, ये BC by EF, ठीक है, इन दोनों का रेशियो AL by DM के रेशियो का इक्वल आ जाएगा। देखो तो समझे, तो इस पॉइंट को समझे, हेलो। Yes sir। ये पॉइंट देखो, समझ में आ रहा है? हम बोल रहे हैं अगर BC by EF equal to AL by DM अगर हमको प्रूफ करना होगा, तो ये क्या, ये पार्ट हम प्रूफ कर पाएंगे? यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ AB by DE का जो वैल्यू है, ठीक है, हम लोग इसको ना लेके क्या लेंगे बोलो, AB by EF कर लेंगे, दोनों तो सेम ही है। हाँ। ना ना ना, AB by DE का जो रेशियो है यहाँ इक्वल है किसके, BC by EF के इक्वल है, तो जहाँ पे AB by DE लेंगे तो वहां पे क्या लेंगे, BC by EF ले सकते हैं, और उसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट AC by DF भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा सबको? यस सर। ओके सो देखो, हम क्या बताना चाह रहे हैं समझो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट था ना, एल्टीट्यूड्स का, ये एल्टीट्यूड्स AL जो है किस पे एक्चुअली बेस कर रहा है, स्टैंड किस पे कर रहा है, BC पे। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है हमारा AL, ठीक है, यहाँ एल्टीट्यूड क्या है, AL है, ये किस पे स्टैंड कर रहा है, BC पे। ये जो एल्टीट्यूड है DM, ये किस पे स्टैंड कर रहा है, EF पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप BC by EF equal to AL by DM अगर प्रूफ करें तो ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, ज्यादा सही रहे, इन द सेंस क्या मतलब कि देखो ये रेशियो आपस में सब इक्वल ही है, अगर आप AB by DE लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली BC by EF लेने का क्या पॉइंट है, ये जो एल्टीट्यूड है AL किस पे स्टैंड कर रहा है, BC पे, ये DM जो है वो किस पे स्टैंड कर रहा है, EF पे। तो अगर हम लोग BC by EF ले तो कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है बोलो? नो सर। नो सर। ओके सो अगर हम लोग ये वाला पॉइंट समझे, तो हम लोग यहाँ से ये वाला भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जो ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग AL भी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर BC by EF is equal to AL by DM। ये कैसे आएगा बोलो तो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, तब हम लोग यहाँ पे एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्या स्टेप लेंगे बोलो, ये वाला गिवन है, ये पॉइंट तो यहाँ पे गिवन है ना ऐसा, और इस ट्रायंगल से क्या आएगा बोलो कि AB by DE equal to AL by DM। तो इक्वेशन नंबर ये 2 है मान के चलो, और ये वाला पार्ट इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे, ध्यान देना, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखो यहाँ से BC by EF का वैल्यू AL by DM के इक्वल आ जाएगा, BC by EF का वैल्यू AL by DM के इक्वल आएगा बोलो? हाँ सर। यस सर। तो वैसे लिखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, आप ऐसे ही बनाइए। तो ये मीडियन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग कोशिश करिए कि BC by यहाँ पे जो मीडियन है, आप मीडियन क्या ले रहे, AL
ले रहे होंगे और यहाँ पे मीडियन डीएम ही ले रहे होंगे, सेम ही चीज़। तो ये कर पाएंगे क्या ऐसे? सबको समझ में आया मैंने क्या बताया यहाँ पे? यस सर। ओके, तो मीडियन वाला सबका हो गया? यस सर। ओके, सो अगर मीडियन वाला पार्ट हो गया तो हम लोग इरेज करें, बोलो इरेज कर दो इसको। हो गया सबको कॉपी सर? हाँ सर। ओके, अब इस मीडियन को हटाते हैं, इसकी जगह पर एंगल बाइसेक्टर लिखते हैं। एंगल आप लोग सबको मैं बोल रहा हूँ इसको एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है? कॉपी करने के बाद मीडियन वाला जो क्वेश्चन था उसको बनाइएगा, और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है? यहाँ पे तीन पॉइंट हम लोग कवर करना है, ठीक है? समझो, यहाँ पे तीन पॉइंट कवर करना है। पहला जो था वो एल्टीट्यूड के ऊपर था, ठीक है? दूसरा जो है इसके मीडियन के ऊपर है, और तीसरा क्या बोलो? एंगल बाइसेक्टर। बोलो समझ में आ रहा है आपको? ये तीन टॉपिक पे हम लोग कवर कर रहे हैं जी थ्योरम। सबको समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको? यहाँ तक दिख रहे हैं? यस सर। ओके ठीक है, आप लोग कॉपी कर लीजिए फट से। अभी ट्रायंगल में आप लोग कहाँ तक हो चुका है बोलो तो? हेलो, ट्रायंगल में आप लोग कहाँ तक हुआ है? स्कूल में? नहीं नहीं स्कूल में नहीं, रवि सर ने कहाँ तक रहा है? सर खत्म हो गया, सर चैप्टर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया सर। न, सर बोले कि नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ओके ओके, तो ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी किया हुआ है आपका कि पहली बार हो रहा है? सर खुद से किया हुआ है। और खुद से क्या हुआ है? ओह वेरी गुड। और बाकी सब बच्चे? सब खुद से कर चुके हैं ये सब। वो सारा कर चुके हैं? हाँ सर। ओके ओके ठीक है, तब इसका एक काम करते हैं हम लोग, इसके बाद बोलो क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है? सर एपी एपी प्रोग्रेशन सर। सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर, ठीक है सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर, बंगला मत बोलिए, आप पे सूट नहीं कर रहा है। है नहीं इसीलिए। हो गया सबका? नहीं सर, तड़ातड़ी करो। कोर्ची सर, कोर्ची करो करो जल्दी करो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर मतलब मैं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं। हेलो। हाँ सर लगभग सारा ही किया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्चुअली। ओके सर हो गया सर। ओके सो ये क्वेश्चन इरेज कर देना, ये ऑलरेडी तीन टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देख लिया, पहला एल्टीट्यूड का, फिर मीडियन का, फिर एंगल बाइसेक्टर का। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ओके तो अब हम करते हैं सीरीज, कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। चलो अगर ये सब क्वेश्चंस हो गया है आपका सब कुछ, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं।
क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा था आपके लिए, वो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन ओके देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ध्यान देना। बोला कि इन द गिवन फिगर, द गिवन फिगर BD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DE इज परपेंडिकुलर टू AB, AB ओके सो बोला जा रहा है। एंड इसमें एक और पॉइंट है कि AC इज परपेंडिकुलर टू BC, तो बोला गया प्रूव दैट BE बाय DE इज इक्वल टू AC बाय BC। आपके पास फिगर है क्या? चलो बना पाओगे? देखो तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बना पाओगे? हाँ सर। ओके ये भी किया होगा ना आपका। ऑलमोस्ट सर ए कहाँ है? ए नहीं बना सर, दोनों जगह पर ई है। ई दो जगह है सर। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ओके ओके गलती हो गया लगा, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है एक्चुअली। बीसी परपेंडिकुलर टू बीसी ठीक है, और बीडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी ठीक है, और डी परपेंडिकुलर टू एबी ठीक। क्वेश्चन में पहले से हम लोग बीडी और एसीबी को सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। हाँ वेरी गुड, ट्राई करिए आप लोग। अच्छा ये मतलब ये जो टॉपिक अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सिमिलरिटीज के ऊपर है ठीक है, इसके बाद दो टॉपिक बच रहा है मतलब एरिया के ऊपर और पाइथागोरस थ्योरम, तो ये दोनों ही टॉपिक कवर हो चुका है क्या? रवि सर ने करा दिया है सर? डीएवी का क्लास स्टार्ट हो गया है। कितने बजे से? 8 बजे से है सर, क्लास स्टार्ट हो गया है। अच्छा ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो ठीक है। सर 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 रवि सर पाइथागोरस करवा दिए है, और बीच में एक पोर्शन आता है एरिया के ऊपर वो। हाँ सर वो भी हो गया है। हाँ सर हो गया है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिंगल ट्रायंगल्स, हाँ हो गया है। स्क्वायर ऑफ साइड्स वाला हो गया है। हाँ सर वो हो गया। देखो अगर वो हो चुका है तो फिर हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाते हैं। हाँ सर हो गया, सर हो गया सर। ये सॉल्व हो गया, कैसे किया आप लोगों ने बताइए सर? सर दोनों ट्रायंगुलर हो जाएगा। हाँ सिमिलर तो करना ही है तभी तो होगा। सर देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल डी। क्या बोला आपने? बोलो फिर से बोलो तो क्या बोला सर? एंगल डी बी ई, डी बी ई, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल सर डी बी ई, डी बी हाँ डी बी की डी बी ई, डी बी ई एंगल डी बी ई इक्वल टू एंगल is equal to angle 90 degree minus angle EDB. EBD. EDB. EDB. Nahi sir, D. Angle D. BC. A
ऐसा ईडीबी तब ईडीबी ना हाँ हाँ सर ऐसा एंगल एंगल डी बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ई बी सी एंगल डी बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इससे हम लोग का प्रूव हो जाएगा कि एंगल ई डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी उसके बाद ए एस सिमिलैरिटी से प्रूव कर देंगे 90 डिग्री तो है ही इक्वल ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे ना ओके उसके बाद और 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री तो इक्वल है तो सिमिलर हो जाएगा ये 90 डिग्री गिवन गिवन था ना ओके तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कौन से देंगे बोलो डीबी एंड ट्रायंगल एसीबी ठीक है इसमें यहाँ पे दो पॉइंट हम लोग को मिल चुका तो हम लोग ट्रायंगल डीबी को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगल एबीसी का एबीसी लिखते हैं इसको कौन से कंडीशन है ए ए ओके इसके बाद क्या होगा बोलो इसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे सबको समझ में आ रहा बाबू एक बच्चा तो आंसर कर रहा है बाकी बच्चा हो गया सर। तो डी बाई बी बाई डी का रेशियो ए सी बाई बी सी का रेशियो के इक्वल आएगा ना हाँ सर समझ में आया सबको ये समझ में आया सबको बोलो ओके तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वैसे भी कर सकते थे देखो बात को समझो अगर ये पूरा एंगल ध्यान से समझना ठीक है अगर ये पूरा एंगल 90 है बोलो हाँ ठीक है तो अगर ये x एज्यूम कर लो ये वाला कितना होगा 90 माइनस x होगा बोलो हाँ तो देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है ना तो देखो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लग रखा है देखो तो यहाँ पे यहाँ पर भी x हो जाएगा यस सर होगा ना देखो ये है ना दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है ये x है तो ये भी x होगा और इसके बाद ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है तो यहाँ से भी तुम वैसे भी कर सकते हो समझ में आया बाबू हाँ सर इतना मेहनत करने का मतलब जरूरत नहीं है यहाँ पे सिंपली सॉल्व हो जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हो ठीक है यहाँ पे कॉपी कर लो ओके अब जिन बच्चों को जाना है जा सकते हैं और ऐसे इसमें कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है सिमिलरिटीज में ठीक है आज कुछ सिमिलरिटीज में कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है वैसे जो आप लोग बना नहीं पाओगे सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी शुरू कर देंगे नहीं बाबू ऐसे थोड़े होगा नेक्स्ट क्लास में ना सब बच्चा लोग चला जाएगा तो हम तुमको पढ़ाएंगे ऐसे करके नहीं सर पूछ रहे नहीं वैसे दिक्कत हो जाएगा तुम ही सोचो अच्छा ठीक है अब छूट जाएगा तो फिर बच्चा लोग बोलेगा अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग करें क्या बाकी सब बच्चे चले गए हैं ये सब है नहीं सर अब आप पढ़ा दीजिए दूसरे फोन में ज्वाइन कर लिए हम लोग वेरी गुड वाह ये ना हुआ दिमाग दोनों क्लास एक साथ कर रहे सर आप पढ़ाइए आराम से वाह चलो यार बहुत है बड़ा आज का सर क्या होशियारी के बिना चलेगा नहीं ना सर चलेगा नहीं नहीं तो दिमाग लगाना पड़ता है सही बात है नहीं बहुत बहुत अच्छा बात है अभी का टाइम में होशियार होना बहुत जरूरी है चलो ठीक है सो अगर ये क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन याद है हम लोग किए थे पोल और मैन के ऊपर शैडो के ऊपर समथिंग कुछ याद है ना एक क्वेश्चन हम लोग उसके पॉइंट पे करते हैं ठीक है सेम कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है तो वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोला गया है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ अच्छा कुछ कुछ स्कूल में सुने हैं कि स्कूल ड्रेस पहन के एकदम ऑनलाइन बैठना पड़ेगा ऐसा कुछ है क्या सर हम लोग तो वीडियो ऑन ही नहीं करते सर कैमरा ऑफ रहता है हम लोग का कौन कपड़ा पहन के बैठते हैं
कुछ स्कूल में सुने कि नहीं पूरा एकदम ड्रेस पहन के रेडी होना है सर, वो बच्चे लोग का स्ट्रिक्ट रूल है, उतना कौन करेगा सर, घर में बैठ के यूनिफॉर्म पहनो उतना करेगा तो हम लोग क्लास करना छोड़ नहीं देंगे, छोड़ देंगे वही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट सेड ऑफ और 5 मीटर ठीक है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर ओके एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट सेड ऑफ मीटर लंबा टावर होगा कैसे बनाया बताओ तो सर, रेशियो इसका लेंथ का और शैडो का 3:2 है, तो शैडो इसमें 24 मीटर है, तो x by 24 is equal to 3/2 तो कर दिए। सबको बन गया क्या देखो तो? अच्छा कोई यहाँ पे फकीरबाज नहीं है, मतलब बाकी सब बच्चा मान लो कर रहा है घर में, सब पढ़ रहा है, सभी बच्चा पढ़ लिया घर में, होता है ना एक बच्चा के नहीं हम नहीं पढ़ रहे। हेलो सर, 10 है वो काम करने से नहीं चलेगा। वाह वाह, मतलब बुद्धि खुल गया आप लोग का, तो पहले से खुला हुआ था सर, वैसे नहीं बोलिए। नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे लोग बदमाशी करता है। नहीं सर, वो तो अभी भी करेगा जिसको करना रहेगा। ओके सर, देखो अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन हो गया इसका आंसर 36 मीटर है ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये अलग क्वेश्चन है ठीक है, डायग्राम पे बना के समझाते हैं। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये यहाँ से ये पी है, ये डी है, ये अब इसके बाद बोला जा रहा है राइट एंगल पे डी इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस सब्जेक्ट। अब देखो क्या क्या गिवन है कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी ठीक है, डी पी is perpendicular to AB and DQ is perpendicular to BC। तो क्या प्रूफ करना, देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, पहला बोल रहा है कि DQ is equal to DQ square is equal to DP into QC है ना, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे आपका कि DP square is equal to DQ into AP, ये बोलो समझ में आया क्वेश्चन। जैसे ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल है, इसके बाद बोला गया ये जो साइड दिख रहा है ना आपको डीपी, ये परपेंडिकुलर है किसपे, एबी पे। यहाँ पे आपको साइड दिख रहा है डीक्यू, ये परपेंडिकुलर किसपे है, बीसी पे। और इसके बाद बोला गया है ये तो हम लोग को पता है कि राइट एंगल है यहाँ पे, तो एबी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, हम लोग बोल सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ओके सो और एक पॉइंट है यहाँ पे कि बीडी, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट BD इज परपेंडिकुलर टू AC, मतलब यहाँ से एक पॉइंट लाइन खींच रहे हैं BD जो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। तो यहाँ पे दो पॉइंट प्रूफ करने दिया गया, ट्राई करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, ट्राई करोगे क्या आप लोग? हाँ सर ठीक है, ट्राई करो। तब तो तुम लोग साइंस भी ऐसे ही पढ़ते होगे, सब कुछ पहले से कंप्लीट करके बैठे होगे तब। हाँ सर कंप्लीट है। कहाँ तक कंप्लीट है बताओ? सर चैप्टर सारा पढ़ा हुआ है। ओके कौन-कौन से चैप्टर हो गया बताओ? सर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब पढ़ा हुआ है। हो चुके हैं।
सारा चैप्टर रीडिंग मार के रखा हुआ है, रीडिंग मार के रखा हुआ है, मिला था। ओके ओके, वन एम्पियर क्या होता है बताओ तो, कोई एक बताना, हल्ला नहीं करना, कोई एक बताओ जिसको अच्छा से बताए। नहीं सर, किताब सर, वन एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट बोले तो सर, वन कूलम पर सेकंड, वन कूलम पर सेकंड, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कैसे लिखो कैसे सर, कितना एनर्जी एक सेकंड में पास होता है एक कंडक्टर के थ्रू, उसको बोलते हैं, अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, चार्ज। ओके अच्छा, वन वोल्ट क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस। ओहो, डेफिनेशन कहाँ है, ये लिखोगे? नहीं सर, अभी आप बोले ना एक्सप्लेन सर, वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, पूरा डेफिनेशन अच्छा से क्लियर नहीं है, अच्छा से पढ़ाई करो अभी, और फ्लो लाओ इसमें, ठीक है? ये क्वेश्चन बनेगा देखो तो, ये बनेगा आप लोग से, ओके सर, नहीं हो रहा सर, तो बता दीजिए सर, हो गया कैसे नहीं हो रहा, हो गया फर्स्ट वाला, हो गया सेकंड वाला सर, कर रहे करो। अभी वो कोई एक बच्चा बोला कि नहीं हुआ, बाप रे, अभी बाकी सभी तुम लोग बना लीजिए। सर थोड़ा बता देंगे ये वाला? हाँ जरूर बताएंगे, वेट करो, सबको बनाने दो, ट्राई करने दो, मैं बताऊंगा, कहीं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन दिए तो बताएंगे, वेट करो थोड़ा सा, सबको बनाने दो, सबका बन गया क्या? हाँ सर। ओके, बाकी सब बच्चा का? हाँ सर, हो गया, हो गया सर, एक हुआ, दूसरा वाला नहीं हुआ, कौन सा? पहला वाला हो गया सर, दूसरा वाला नहीं हुआ, और बाकी सबको पहला हुआ, बाकी सब बच्चा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब लोग हमको पता नहीं चल रहा कि बना रहा है कि नहीं बना रहा है लोग, देखो जिनका दो नंबर मतलब जो सेकंड वाला पार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा हिंट दे रहे, ठीक है, पहले समझो, यहाँ पे बोला गया dp square is equal to dq into ap है ना, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल pda, ट्रायंगल pda, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बोलो क्या लोगे, ट्रायंगल dq क्या लोगे बोलो, dqb, समझ ना रहा, पीडीए और ट्रायंगल, या तुम ये भी दो ट्रायंगल ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल तुम ये भी ले सकते हो, ऐसे ये ट्रायंगल पीएडी और ये ट्रायंगल बीपीडी की जगह तुम ये भी ले सकते हो, ट्रायंगल बीपीडी, ये दो ट्रायंगल ले सकते हो, देखो तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले लो, ट्रायंगल एपीडी या पीएडी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेगा, ट्रायंगल बीपीडी सर, ये फर्स्ट वाला बता रहे कि सेकंड वाला,
सेकंड वाला जिसका सेकंड नहीं बना वो ट्राई हाफ कर सकते हो, बाकी फर्स्ट वाला बताना होगा। तो फर्स्ट वाला जो बताएंगे तो शुरू से ही बताएंगे। सबको बताओ, हो गया सबका? कोई बोल ही नहीं रहा कुछ? क्या नहीं सर। हाँ सर। हाँ कुछ कुछ बच्चों का तो आंसर आ रहा है सर, यस सर, बाकी कुछ बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा। बना सबका? अब नहीं बनेगा, हम समझ गए। जिनका नहीं बना अब नहीं बनेगा। सर बन गया, एक बार आप दिखा दीजिए, क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके ओके ठीक है। देखो जो सेकंड नंबर नहीं बना था वहां पे हम हिंट दे दिए, अगर नहीं बन रहा तो आप थोड़ा वेट कर लो, ठीक है? हम स्टार्टिंग से बताए। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो समझो, ठीक है? बोला गया है कि ये जो लाइन है बीडी इस पैरेलल है परपेंडिकुलर की स्पेस पे। यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि AB इज परपेंडिकुलर टू AC, बोल सकते हैं ना सर? ओके इसके बाद देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास। ये DP किस पे परपेंडिकुलर है? AB पे। DP इज परपेंडिकुलर टू AB, होगा ऐसा? और एक और हिंट क्या दिया बता, बोलो। DQ is perpendicular to BC। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या बोलो? यहाँ पे ये 90 बन रहा है ना, यहाँ पे ये 90 बन रहा है, तो इधर भी 90 बन ही रहा है। इसके बाद ये भी यहाँ पे ये वाला पार्ट 90 है। ओके सो यहाँ तक देखो, समझो क्या बता रहे, समझो। यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे अगर ये लाइन DP, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर इस पे, देखो यहाँ पे ये लाइन DP यहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलर है AB पे। ध्यान दो, DP इज परपेंडिकुलर टू AB, और उसके बाद एक लाइन है यहाँ पे देखो DQ इज परपेंडिकुलर टू BC। मतलब ये लाइन ध्यान दो इस पे परपेंडिकुलर है, और ये लाइन किस पे परपेंडिकुलर है? इस पे परपेंडिकुलर, ध्यान देना। तो ये जो DP है ये BC का परपेंडिकुलर होगा, देखो तो, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ये वाला पॉइंट देखो, AB इज परपेंडिकुलर टू, ओके AB इज परपेंडिकुलर टू BC होगा, ठीक है? यहाँ पे देखो ये लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू BC होगा, बोले यहाँ तक समझ में है? AB इज परपेंडिकुलर टू BC, और यहाँ पे एक लाइन है देखो DP, DP इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? AB। ये दिया हुआ है ना देखो यहाँ पे। हाँ सर। और यहाँ पे बोल रहा है कि AB जो है वो किससे परपेंडिकुलर है? BC का। तो ये लाइन DP और ये लाइन DQ, या बोल सकते हो BC, BC ही बोलो, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा क्या? ये लिख सकते हैं हम लोग कि DP इज पैरेलल टू BC? यस सर। ओके अब देखो समझो, अब ये BC इस जगह पे हम लोग BQ लिख सकते हैं, इस पूरे BC की जगह पे हम लोग BQ भी तो लिख सकते हैं ना? यस सर। ये पता आप लोगों को? वेरी गुड। सेकंड पार्ट में आता है।